वेलकम अगेन बच्चों, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फोर क्लास 8। और ये वर्कशीट आपकी साइंस की वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है इसका टॉपिक क्या है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट वर्कशीट का भी टॉपिक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जिसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देख सकते हैं। जी हाँ, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितनी कैटेगरी हो सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेकिंग मैनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट। दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक। तो बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट हैं बच्चों, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं। इसके अलावा वो और कैसे काम में आते हैं, मेकिंग चीज, मेकिंग ब्रेड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जिससे क्या बन जाता है, मेन्योर। मेडिसन्स प्रिपरेशन में ये हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो एटमोसफेयर की नाइट्रोजन है उसको ये सॉयल के अंदर फिक्स कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये लेग्यूमिनस जो प्लांट होती हैं, लाइक जो दाल के पौधे हैं या पी प्लांट हैं, उनमें ये प्रोसेस होता है। अब उसके बाद देखिए, बिसाइड दिस दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग पिकल्स में यूज होती हैं, बैटर फॉर डोसा एंड इडली से बनते हैं, अल्कोहल बनता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल फर्टिलिटी भी जो है इनसे इंक्रीज होती है। पिंकी आस्क्ड हर मदर हर टीचर, मैम यू टोल्ड अस दैट कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जो कर्ड बनती है वो कैसे बनती है, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट My mom just added little bit of curd to warm milk at night and the same milk turned into curd in the morning. How is it possible? So Pinky कहती है कि मेरी जो मम्मी है वो क्या करती हैं, little bit of curd यानी थोड़ा सा curd warm milk, जो गुनगुना milk होता है, रात को उसमें डाल देती हैं और सुबह तक जो milk है that get turned into the curd. तो वो पूछती है कि how is it possible? तो टीचर बच्चों क्या रिस्पॉन्स करती हैं, पिंकी अ बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द कर्ड एंड योर मदर एडेड लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वार्म मिल्क एंड द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई इन द मिल्क एट सूटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इट इन टू द कर्ड। ठीक है, तो सूटेबल टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बार बार ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो कंप्लीट मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बट रिमेंबर वन थिंग दैट द मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड शुड नीदर टू हॉट नोर टू कूल्ड, कि जो मिल्क है जिसकी हमें कर्ड बनानी है वो जो है ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। बट इट शुड बी लिटिल वार्म ओनली, कि ये जो है केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए, तो तब जो है ये दही बनेगी। तो यानी बच्चों अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इनको करते हैं। फर्स्ट क्या है, हाउ कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर द टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड। तो बच्चों हाउ कर्ड इज प्रिपेयर्ड, तो आपको अभी आपने देखा कि आप कर्ड कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे दैट वी एड लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वार्म मिल्क। यहाँ से आप इसका आंसर लिखिए बच्चों, फर्स्ट का वी एड, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा वी एड, ओके, लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वार्म मिल्क, द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई इन द मिल्क एट सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इन टू कर्ड। यहाँ तक इसका आंसर लिखिए। अब इसमें आपको ये भी बताना है कि क्या क्या चाहिए कर्ड बनाने के लिए, तो क्या क्या चाहिए बच्चों, मिल्क एंड लिटिल बिट ऑफ कर्ड, ओके, लिटिल बिट ऑफ कर्ड, तो ये आप जो है लिख दीजिए, मिल्क एंड लिटिल बिट ऑफ ए कर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द कर्ड, तो यहाँ से लिखेंगे लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन द कर्ड, ये आंसर टू हो जाएगा। आंसर थ्री क्या है, राइट एनी फोर यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो देखिए यहाँ से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेज लिख सकते हैं, दैट इज मेकिंग चीज, आप नंबर वन नंबर टू करके लिखिए, नंबर वन मेकिंग चीज, नंबर टू मेकिंग ब्रेड, नंबर थ्री डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, नंबर फोर मेडिसिन प्रिपरेशन, नंबर फाइव नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर सिक्स मेकिंग पिकल्स, नंबर सेवन बेटर फॉर डोसा एंड इडली, नंबर एट प्रिपेयर एल्कोहल। तो एट बच्चों ये यूज दिए गए हैं, तो आप अपनी कॉपी में इनको सीरियल में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है,
विच मिल्क प्रोडक्ट मेक यू हैप्पी व्हेन यू ईट देम, तो आपको उन मिल्क प्रोडक्ट जो है का नाम लिखने हैं जिनको आप खा के खुश होते हो, तो वो क्या होंगे? तो यहाँ मैं इसका आंसर लिख रही हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये क्या है? चीज़, ओके, चीज़, कर्ड, ये दो मैंने एग्जांपल लिख दिए, आपको जो भी पसंद हो, दूध से बना हुआ, मिल्क से बना हुआ, वो आप लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वर्कशीट, और आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।